बलवान सिंह, हम आपको आज हिंदी का, पहले हमने करवाया आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि, आज हम आपको करवाएंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि हमने करवाया था जो आपको पहले, केवल संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में, इतना हमने पहले क्लासेस में बताया था। आज हम विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनह जमा में जय क्या हो जाएगा? मनोज। नी जमा में आकार क्या हो जाएगा? निराकार। दू जमा में बल दुर्बल आदि। अब बात आती है आपके संधि के, तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात आती है आपकी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। पहला भेद आपका दीर्घ संधि। दूसरा है आपका वृद्धि गुण संधि। दूसरा भेद है गुण संधि। तीसरा जो भेद है आपका वृद्धि संधि। और चौथा भेद है आपका यण संधि। और पांचवा जो भेद है आपका अयादि संधि। आज हम आपको दीर्घ संधि के बारे में बताएंगे। दीर्घ संधि क्या होती है? मूल रूप से जब स्वर संधि पढ़ाते हैं तो मूल रूप से स्वरों की जानकारी जरूरी है। स्वरों की संख्या 11। स्वरों की संख्या 11 है। जैसे ऐसे औ तक
ऐसे आउ तक ए छोटे ए छोटा ओ और रे, ये हमारे एक मात्रिक स्वर हैं। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा जवाब का है आ बड़े ए बड़ा उ ए आई ओ और औ। इनको द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर भी कहते हैं। ये थोड़ा सा विषय हमने स्वरों को बीच में इसलिए शामिल किया है क्योंकि इन स्वरों के बगैर आपको ये संधियां अच्छी तरह समझ में नहीं आएंगी, इसलिए थोड़ा सा स्वरों का वर्णन बीच में हमने संधि के मध्य में इन स्वरों का वर्णन किया है। तो पहला जो आपका है स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में स्वर बनते हैं अगर ए के साथ ए का दीर्घ संधि के साथ ए के साथ ए का मेल होता है तो आ स्वर बनता है। अगर ए के साथ आ स्वर आ का मेल होता है तो क्या बनता है, तो भी आ स्वर बनता है। और अगर आ के साथ ए स्वर आता है तो भी आ बनता है, और आ के साथ अगर आ आएगा तो भी आपका स्वर आ बन जाएगा। इन दोनों से ये है, इन दोनों से ये वाला आ है। इसी प्रकार आपकी छोटी ई के साथ है, अगर छोटी ई का मेल करें तो बड़ी ई बन जाएगी। यानी आपको पता चल गया बड़ी ई कैसे बनी, आ कैसे बना। इसी प्रकार छोटा ऊ के साथ जब छोटा ऊ का मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो ऊपर वाला नियम ऐसा ही आपका, अगर छोटी ई के साथ आप बड़ी ई का प्रयोग करेंगे तो बड़ी हो जाएगी, अगर बड़ी ई के साथ छोटी ई का मेल करेंगे तो भी बड़ी ई हो जाएगी, और ई के साथ बड़ी ई के साथ बड़ी ई होगी तो भी आपकी बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही नियम आपका ऊ वाला नियम भी ऊपर वाले दोनों नियम के अनुसार है, दोनों नियम के अनुसार है। ये मैंने आपको पूरा करके नहीं दिखाया, इसलिए लाइन आपको बता दी, ऊ के साथ ऊ का मेल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो अब इसके एक दो उदाहरण देख लीजिए। आप देखिए निर्जमा में एकार क्या हो जाएगा, ये शब्द निराकार क्या हो जाएगा, निराकार। उसके बाद ये ए और ए का मेल है, आ हो जाएगा। इसी प्रकार सतीश नाम है, सतीश इसको बनाएंगे सती जमा में इस क्या हो जाएगा, सतीश। और उसके बाद अगर आप सुर जमा में सु जमा में उरज तो बनाएंगे क्या हो जाएगा, सूरज। तो ये आपके नियम है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और ये अपनी साफ सुथरी भाषा में अपनी कॉपी में लिख लेना, और कोई दिक्कत हो तो संपर्क कर लेना।